हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो कि बायोलॉजी में है, पर हेरिडिटी और वेरिएशन कौन से फील्ड में आता है, बायोलॉजी के कौन से फील्ड में आता है वो तो मालूम नहीं है भाई। तो क्या होगा, हेरिडिटी और वेरिएशन जेनेटिक्स में आता है। क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जेनेटिक्स में से ही बनते हैं भाई। तो ऐसा क्या है जेनेटिक्स में, तो हम पढ़ने वाले हैं आज। चलो देखते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। भाई हेरिडिटी और वेरिएशन आता है जेनेटिक्स में। तो बायोलॉजी में दो टाइप के हमारे सब्जेक्ट आते हैं। एक तो रट्टा मारने वाले, सभी पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ते हैं, और दूसरा है कंसेप्चुअल, जो कि हमको समझना पड़ेगा और समझ के फिर आंसर हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर हमको ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल थियरी नहीं आती है, तो यू विल बी फेल इन सॉल्विंग द आंसर्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एज जेनेटिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंसेप्चुअल बेस आते हैं, उसमें से ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अप्रोक्सीमेटली हमारे जेनेटिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, जेनेटिक्स में से अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। किसमें आते हैं भाई, AIPMT जो कि अब नीट बन गया है। अभी आप कोई भी बुक ले लो और उसमें देखो तो एवरी ईयर 7 से 8 क्वेश्चन, कोई कोई बार तो हेरिडिटी और वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से ही 10 या 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो भाई रट्टा मारने वाले पॉइंट्स में क्या आएगा कि भाई जीनेटिक्स का मतलब क्या है, किसने दिया जीनेटिक्स टर्म, फिर कौन से साल में दिया। ज़्यादातर हमको ईयर्स नहीं पूछते हैं, पर किसने जो टर्म कॉइन किया है वो हर बार पूछते हैं। कोई ना कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि जिसने किस कौन सा टर्म किसने कॉइन किया है। तो जनरली हमारा जो जीनेटिक्स है वो क्या है, जीनेटिक्स भाई जीनेटिक्स है वो एक टाइप का साइंस है। पर उसमें क्या होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होता है कैसा कि भाई मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में जाती है वो हमको जानने को मिलता है। भाई कैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है वो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया भाई, जीनेटिक्स का डेफिनेशन हुआ कि भाई इट इज अ साइंस इन विच बाय विच अंडरस्टैंडिंग बाय विच अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। भाई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी अभी हम जो बोलते हैं कि कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं बाय हेल्प ऑफ जीन्स, राइट। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अभी हम बोलेंगे कि भाई ये जीन जेनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, ये तो हो गया डेफिनेशन जिसमें से हमको मालूम पड़ता है कि भाई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ट्रांसमिट होती है कहाँ से, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अगर हम बोले कि पेरेंट्स से थोड़े कैरेक्टर्स अपने चाइल्ड में आए और उसका हम जो अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जीनेटिक्स। पर जीनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, तो जीनेटिक्स वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है भाई, जिसका वर्ड था जीनेसिस, जिसका वर्ड है जीनेसिस। और जीनेसिस का मतलब क्या होता है भाई, टू बिकम, और
टू ग्रो, उसका मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो, हमारे कॉमन इंग्लिश में, बराबर है भाई। जेनेटिक्स वर्ड किसने लिया, कौन से साल में लिया, वो भी एक रट्टा मारने वाला पॉइंट है। जेनेटिक्स वर्ड किसने लिया था, विलियम बेटसन। विलियम बेटसन जिसने बहुत सारे रिसर्च किया है इस फील्ड में, उसने ये वर्ड दिया था 1905 में। विलियम बेटसन ने एक और वर्ड दिया था जिसका नाम है एलील। क्या है भाई एलील, इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं कि एलील का मतलब क्या है। अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी और फिर उसके बाद व्हाट इज वेरिएशन, बराबर। फॉर एग्जांपल में कि एक पेरेंट में से फादर है और एक मदर है, भाई एक फादर है और एक मदर है, फादर और मदर। अभी फादर और मदर आगे रिप्रोडक्शन तो करते हैं क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिससे हम कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कर सकते हैं। भाई फादर एंड मदर रिप्रोड्यूस फर्दर एंड फॉर्म्स ऑफस्प्रिंग्स। क्या बना दे भाई ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स में थोड़े कैरेक्टर्स किससे मिलते हुए आते हैं भाई, थोड़े कैरेक्टर्स मिलते हुए आते हैं फादर से, थोड़े कैरेक्टर्स आते हैं मिलते हुए भाई उसकी मदर से। ऑफस्प्रिंग्स के थोड़े कैरेक्टर्स उसके पापा के जैसे होते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स उसके मदर के जैसे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि थोड़े से कैरेक्टर्स मदर से ट्रांसमिट हुए ऑफस्प्रिंग में, थोड़े से कैरेक्टर्स फादर्स में से ट्रांसमिट हुए ऑफस्प्रिंग में। और ऐसा क्यों हुआ भाई, इसको हम बोलते हैं, ऐसे साइंस को हम बोलते हैं भाई हेरिडिटी। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, बराबर है। क्या है हेरिडिटी, इट इज अ साइंस, ये भी एक टाइप का साइंस है, इन विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। क्या होता है भाई कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जनरली कैरेक्टर्स का मतलब क्या है भाई कि पेरेंट की हाइट, फॉर एग्जाम्पल फादर की हाइट टॉल है, तो अगर चाइल्ड भी टॉल हुआ तो दैट कैरेक्टर हैज बीन पास फ्रॉम फादर टू द ऑफस्प्रिंग, यानी जिसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। अगर कोई हेरिडिटी की डिसऑर्डर है तो भी वो भी पास हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो आगे जाके भी बच्चे को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन जीन्स, राइट। सो दैट इज अ हेरिडिटी। अगर हम आगे सोचते हैं तो हर बार एक वर्ड आता है भाई हेरिडिटी से, हर बार एक वर्ड ऑकेजनली आता है, हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े और 12th स्टैंडर्ड में भी आता है भाई इनहेरिटेंस। तो ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जनरली लोग क्या कर देते हैं, उसको एक बना देते हैं, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस दोनों अलग टर्म्स है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों अलग टर्म्स है। व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो ये भाई एक प्रोसेस है। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स कहां से कहां जाते हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, और वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस भाई, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू
ऑफस्प्रिंग। तो ये हो गया एक इनहेरिटेंस, क्या हो गया भाई, ये एक प्रोसेस है, और जिसको हम ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोलते उसको बोलते हेरिडिटी, और जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते इनहेरिटेंस। बराबर है, ये ऑकेजनली यहाँ पर हेरिडिटी के साथ होता ही है, तो आप देख लेना कि दोनों में आप मिक्स ना कर दो, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। जेनेटिक्स क्या हुआ भाई, एक साइंस है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू और प्रोजेनी, और उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। यहाँ से वर्ड आया भाई जीनेसिस से, इसका मतलब क्या हुआ, टू बिकम और टू ग्रो। बराबर है, किसने दिया ये भाई, विट्सन था, विलियम विट्सन, जिसने अलील भी वर्ड दिया है। और हम देखते हैं आगे वेरिएशन, तो व्हाट इज वेरिएशन। तो भाई हमने देखा है कि हर बार जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो ऑफस्प्रिंग जो होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्टली अपने फादर या अपने मदर से मिलता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिससे ऑफस्प्रिंग्स में अलग कैरेक्टर्स भी आए, पेरेंट्स के थोड़े आए, मदर के थोड़े आए, दैट मीन्स समथिंग इज गेटिंग वेरिड एंड दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेरिएशन बोलते हैं, कि कोई कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो दोनों से मिलते आते हैं, कोई ऐसे भी है जो थोड़े अलग है, जिसको हम बोलते हैं भाई वेरिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएशन। सो व्हाट इज वेरिएशन, तो वेरिएशन इट इज अ डिग्री, इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस, क्या भाई, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। हम उसको क्या बोलते हैं भाई, वेरिएशन, जिसको इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। व्हाई, बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट exactly identical, they are not exactly identical to mother as well as not exactly identical to the father, they are also not identical to father, and that is why that is called causing वेरिएशन। ओके, सो भाई एक क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएशन के टॉपिक में से, कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कि भाई विच टाइप ऑफ वेरिएशन इज इनहेरिटेड, कौन सा वेरिएशन आगे जाता है, यानी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो वेरिएशन, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि कौन से दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। भाई वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, पहला है सोमेटिक वेरिएशन, पहला है भाई सोमेटिक वेरिएशन। दूसरा वाला कौन सा है भाई, दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन उसके नाम से हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है भाई, सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सोमेटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल भाई, हमारे कोई बॉडी के कोई भी पार्ट, अगर लीवर ले लो, या ले लो कोई स्टमक, या ले लो भाई स्किन, जहाँ पर अल्ट्रेशन हुआ, जीन का कोई अल्ट्रेशन हुआ, जेनेटिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ, जिससे हमको कैंसर हो गया, भाई वो आगे बढ़ के नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही रहेगा। वो अलग बात है कि वहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ होगा सेल्स का, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो सोमेटिक वेरिएशन कहाँ पर होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, जो कि एक्वायर्ड वेरिएशन होता है। एक्वायर्ड वेरिएशन यानी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट कुछ चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू आउटर कंडीशन कोई चेंज हुआ, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन। यानी सोमेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड वेरिएशन, और जो कि नॉट
इनहेरिटेड, ये आगे पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। और सोमेटिक वेरिएशन जनरली कहां पर होता है भाई? सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में होता है। पर जर्मिनल वेरिएशन, ये जर्मिनल वेरिएशन कहां पर होता है, उससे उसके नाम से ही हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई जर्मिनल वेरिएशन होता है जर्मिनल सेल्स में। ये जर्मिनल सेल्स कहां पर आते हुए, तो मेल एंड फीमेल जनरली सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जनरली मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। तो उसमें मेनली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो दो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस और ओवरी, दोनों में क्या है भाई, जर्मिनल एपिथेलियम। अगर वहां पर कुछ चेंजेस आ जाता है क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई कोई जिससे म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन यानी अल्टरेशन ऑफ जीन, कोई जीन चेंज हो जाता है, तो उससे क्या होगा भाई, जर्मिनल सेल में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। फिर जर्मिनल सेल्स में जो चेंज आएगा टेस्टिस से जर्मिनल एपिथेलियम में से क्या बनने वाला है भाई, गैमेट बनने वाला है। सेम वे ओवरी में से भी क्या बनने वाला है भाई, गैमेट बनने वाला है। हम मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवर। तो ये जब दोनों फ्यूजन होगा तो वो ऐसी ही इंफॉर्मेशन कैरी करेगा जो कि म्यूटेटेड है, यानी चेंज हुआ है, कोई जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो आगे भी जाके वो इनहेरिट होगा। सो जर्मिनल वेरिएशन आर इनहेरिटेड, सोमेटिक सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। भाई सोमेटिक सेल थोड़ी ना गैमेट्स बनाते हैं, सोमेटिक सेल्स तो बॉडी के सेल्स है जो गैमेट्स बनाते हैं, नहीं, पर जर्मिनल सेल्स जनरली गैमेट्स बनाते हैं, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम कहां पर आया, टेस्टिस और ओवरी, जिससे आगे जाके इनहेरिट होगा। जो सोमेटिक सेल डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, पर जर्मिनल सेल्स क्या है, जनरली प्रोड्यूस गैमेट्स। और यहां पर हम बोलेंगे कि वो इनहेरिटेड है, तो ये क्वेश्चन नीट के अंदर यानी AIPMT में पूछा गया है कि विच वेरिएशन इज इनहेरिटेड वन, और हमारा आंसर है जर्मिनल वेरिएशन इज अ इनहेरिटेड वन। और क्या है रीजंस वेरिएशन के, वेरिएशन के रीजन क्या है, वेरिएशन के रीजंस बहुत सारे हैं। सोमेटिक वेरिएशन के रीजन जनरली एक तो हो सकता है एनवायरमेंट। अगर हम सोचें कि एनवायरमेंट, आपने हनी बी तो सुना होगा, हनी बीज में एक साथ बहुत सारी फीमेल हनी बीज का एक साथ लार्वा में से कन्वर्जन होता है फीमेल हनी बीज में, पर उसमें से जिसको नर्स बी के माउथ में से हनी मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम रॉयल जेली, वही क्वीन डेवलप होगी, बाकी सब वर्कर बीज होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको रॉयल जेली मिली, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, जिसको रॉयल जेली मिली है वही क्वीन होगी, बाकी सब वर्कर बीज होंगे। अंडरस्टूड? या फिर हो सकता है कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स मींस फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है उसके हॉर्न्स हम बार बार रिमूव कर रहे हैं तो भी वो वेरी करता है किससे, आजू बाजू के दूसरे एनिमल से, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमेटिक वेरिएशन, उसमें आता है कॉन्शियस एफर्ट्स। और तीसरा जो होता है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑफ ऑर्गन्स, ये जो है कॉन्स्टेंट यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं ज़्यादातर यूज किस हाथ का करूँगा भाई, राइट हैंड का करूँगा, यानी मेरा लेफ्ट हैंड है जो वो अच्छी तरीके से नहीं लिख सकता है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट यूज में आता नहीं है, दैट इज वाई जो यूज हो रहा है वो अच्छे तरीके से जो डेवलप हो गया, अभी जो लेफ्ट हैंड है जो यूज नहीं होता है तो फिर वो नहीं डेवलप हुआ है अच्छी तरह से, क्योंकि आई कैन नॉट राइट ऑन द बोर्ड, सो दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन इन वेरिएशन। एंड इट इज ऑल्सो सीन दैट अ चाइल्ड ऑफ अ फादर, इफ फादर इज राइट हैंडेड, लाइक सचिन तेंदुलकर ले लो भाई, वो तो राइट हैंडेड है बैट्समैन, पर उसका बेटा जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड।
अगर फादर राइट हैंडेड हुआ तो चाइल्ड भी राइट हैंडेड हो, ऐसा नहीं होता है। अगर उसका लेफ्ट पार्ट स्ट्रांग हो गया, उसने वहीं से प्रैक्टिस किया, तो वो लेफ्ट हैंडेड बनेगा। अंडरस्टूड? सो दिस आर द मेन रीजन व्हाई इन जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है भाई, मेनली एक होता है रीजंस। रीजंस में क्या आएगा भाई, क्रॉसिंग ओवर, उसमें क्या आएगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन। भाई रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब मियोसिस होता है, और मियोसिस कहाँ पर होता है भाई, गैमेटिक सेल्स में। गैमेटिक सेल्स जब गैमेट्स बनाने वाले हैं, जब जर्मिनल एपिथेलियम में से भाई गैमेट्स बनने वाले होते हैं, तब मियोसिस होता है। तब मियोसिस वन में एक प्रोफेज वन आता है। प्रोफेज वन में पांच फेजेज है, उसमें जो पहला वाला है लेप्टोटिन है, फिर दूसरा वाला है साइगोटिन, तीसरा वाला है पैकाइटिन, और चौथा वाला है डिप्लोटिन। जब डिप्लोटिन आता है तब क्रोमोसोम्स काइमेटा बनाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, और जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ काइमेटा बनता है, काइमेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बनता है भाई, और ये जो क्रोमेटा बनता है वहां पर क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। और जहां पर एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है तब नया रिकॉम्बिनेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और वो हर बार होता है जब गैमेट्स बनते हैं, तो एक यही एक कारण हो सकता है जो कि जनरली इवोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले कर गया है। कौन सा वाला, क्रॉसिंग ओवर। दूसरा वाला है भाई, दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है भाई, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत से ऐसा रीजन है, यहाँ पर हम म्यूटेशन, कौन से म्यूटेशन की बात करें भाई, जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन में क्या होता है कि भाई आगे के ऑफस्प्रिंग्स में भी वो इनहेरिट हो जाता है। अगर कोई चेंजेस आ गया जेनेटिकल स्ट्रक्चर में, तो फिर वो आगे जाके इनहेरिट हो गया। थर्ड एक होता है भाई पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी भाई चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई एक बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं यानी 46 नंबर, पर अगर एक कम हो जाता है यानी और एक बढ़ जाता है, किसी में दो बढ़ जाते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई, प्लॉइडी। तो कोई बार दो भी बढ़ जाते हैं, कोई बार फॉर एग्जाम्पल 2n+1 हो जाता है, यानी 46 तो है पर एक ज़्यादा है, और वो उसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। कहीं पर भी वो सेट हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल वो एक्स क्रोमोसोम में सेट हो गया, एक्स वाई है और साथ में एक एक्स आ गया, तो फिर उससे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है भाई। पर्सन मेल तो होगा पर उसमें बॉडी ऑर्गन्स बराबर डेवलप नहीं होंगे, मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और वो मेंटली रिटार्डेड आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड? सो जनरली दैट इज कॉल्ड ए पॉलीप्लॉइडी। दीज आर द मेन रीजंस फॉर जर्मिनल वेरिएशन एज वेल एज। आगे हम क्या लिखेंगे भाई, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जोहान मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। अभी उनका बर्थ कहां पर हुआ था? उनका बर्थ हुआ था एक बहुत ही पुअर फैमिली ऑस्ट्रिया कंट्री में, और बर्थ हुआ था जुलाई 22, 1822। अभी उसके बाद क्या हुआ, पुअर फैमिली में बर्थ हुआ, उनको भेजा गया मोनेस्ट्री। कहां पर उनको भेजा? मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून। ये हिस्ट्री है ग्रेगर जोहान मेंडल की। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कहां पर उनका बर्थ हुआ, कौन सी कंट्री में, कौन सी डेट को, और उनको कहां पर भेजा गया था। उनको भेजा गया था मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून पर। मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून से वो पढ़ने गए कहां पर? वियना। वहां पर वियना जाके उन्होंने नेचुरल साइंसेस पर पढ़ा। वहां से आने के बाद उन्होंने वापिस मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून में 1856 से 1863 तक क्या किया? उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट्स ऑन
प्लांट्स प्लांट हाइब्रिडाइजेशन ये एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आने के बाद वियना से पढ़ के आने के बाद उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर काफी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने उनका रिजल्ट कहाँ पर प्रेजेंट किया तो उनका रिजल्ट उन्होंने प्रेजेंट किया ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर वहां पर प्रेजेंट करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिले उससे कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ इसलिए वो ऐसा का ऐसा ही रहा उनके मर जाने के बाद फिर से वो रिडिस्कवर हुआ तब तक उनको भी मालूम नहीं था कि ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स बराबर है जब फर्स्ट वन जब 1856 के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई एनी वन दिस रिजल्ट वेर नॉट एक्सेप्टेड बाई एनी वन पर फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो वो पब्लिश भी होगा पब्लिश कहाँ पर हुआ था तो उनका पेपर पब्लिश हुआ एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया कहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ किस चीज़ पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया था किस चीज़ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी पूछ सकते हैं पर ये जो है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि कौन सी बुक में ये पब्लिश हुआ है ओके उसके बाद क्या रहे रीजंस कि वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सके रीजंस बिकॉज ऑब्स्क्योर जर्नल उनकी जो जर्नल थी वो बहुत लोगों के तक पहुंची नहीं और वो भी क्लियर नहीं थी दूसरा था एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर था कि 18th सेंचुरी किसको बिलोंग कर गई 18th सेंचुरी बिलोंग्स टू डार्विन डार्विन कहां पर वर्क कर रहे थे इवोल्यूशन में डार्विन वाज वर्किंग ऑन इवोल्यूशन तो सभी साइंटिस्ट किसको फॉलो कर रहे थे डार्विन पर डार्विन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब उस पर फॉलो कर रहे थे इसलिए 18th सेंचुरी में मेंडल ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया जेनेटिक्स में फिर भी वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सका क्योंकि सब लोग किसके पीछे पागल थे डार्विन के पीछे सो उसका काम किसी ने देखा नहीं 18th सेंचुरी बिलोंग्स टू डार्विन एरा इसकी वजह से किसी ने अट्रैक्ट किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तीसरा वाला एक इम्पोर्टेंट था कि नो वन एक्सेप्टेड साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर इनहेरिटेंस किसी को ये भी मालूम नहीं था कि सेल इज प्लेइंग अ बिग रोल इन इनहेरिटेंस सो ही वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीवन अभी क्या हुआ कि ग्रेगर जोहान मेंडल तो उसका काम किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया फिर वो मर भी गया कौन से साल में 1884 में उनका डेथ हुआ तब तक आफ्टर 16 ईयर्स मेंडल्स वर्क
वॉज रीडिस्कवर। मेंडल का वर्क क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ। और किसने ये वर्क रीडिस्कवर किया, दिस वर्क वॉज रीडिस्कवर बाय थ्री इंडिपेंडेंट पीपल। तीन अलग अलग लोगों ने ये रीडिस्कवर किया था। पहला था ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। दूसरा था कार्ल कुरेंस। और तीसरा कौन सा था, तीसरा था एरिक वॉन शर्मैक। तीनों अलग अलग कंट्री के थे। ह्यूगो डी व्रीज कहाँ का था, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, ही बिलोंग टू हॉलैंड। कार्ल करेंस बिलोंग्स टू जर्मनी। और एरिक वॉन श्मैक वो ऑस्ट्रिया के थे। तीनों ने अलग से काम किया, तीनों ने रीडिस्कवर किया वर्क। और आफ्टर दैट दे एक्सप्लेन एंड फाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडेलिज्म। ये बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड की एग्जाम में कि किसने उसका वर्क रीडिस्कवर किया था, किसने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था जिसको हम बोलते हैं मेंडेलिज्म। तो उसका आता है ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कुरेंस और एरिक वॉन श्मैक। हॉलैंड के थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कुरेंस जर्मनी के थे और एरिक वॉन श्मैक ऑस्ट्रिया के थे। तीनों ने मिलकर अलग अलग से रीडिस्कवर किया था वर्क। फिर मेंडल ने कहाँ पर कौन सी चीज पर वर्क किया था, तो मेंडल ने वियना से आने के बाद उन्होंने पाइसम सटाइवम पे वर्क किया था और पीसम सटाइवम पे वर्क किया था जिसको हम कॉमनली बोलते हैं गार्डन पी। इसको हम बोलते हैं गार्डन पी। ऐसा क्यों किया कि मेंडल ने सिर्फ पाइसम सटाइवम को चूज किया, कुछ रीजंस रहे होंगे क्योंकि उसको वो अट्रैक्ट कर गया पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने क्यों चूज किया पाइसम सटाइवम, ये पूछा जा सकता है बोर्ड की एग्जाम में, हमारे स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स में। जो हमारी एग्जाम एनुअल एग्जाम आती है उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्हाई मेंडल चोज पाइसम सटाइवम। ऐसा कई बार पूछा जा चुका है कि मेंडल ने क्यों पाइसम सटाइवम को ही चूज किया, तो उसके रीजन थे, पहला था फ्लावर्स वेर बाइसेक्सुअल, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मीनिंग एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, एंड्रोजियम और गाइनोजियम एक ही फ्लावर में थे। उसका एक बेनिफिट रहता था क्या कि दे वर सेल्फ फर्टिलाइजिंग। सेल्फ फर्टिलाइजिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वेर एनक्लोज्ड विद इन पेटल्स, पेटल्स के अंदर बंद थे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाता, अपना ही पोलन अपने अंदर से जाके स्टिग्मा पर इजीली जा सकता था। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे तो प्योर लाइन मिलने की बहुत चांसेस थे। सो उससे क्या होता था, प्योर लाइन मिल जाता था। प्योर लाइन मीन्स कि पेरेंट के जैसा ही प्लांट मिल जाता था, कुछ अलग से कोई अलग कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता था। तीसरा था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन,
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वॉज इजीली अचीव्ड, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वॉज इजीली अचीव्ड फॉर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वॉज इजीली अचीव्ड. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वॉज अ टेक्निक डेवलप बाय मेंडल. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वॉज अ टेक्निक डेवलप बाय मेंडल. दैट टेक्निक वी विल स्टडी आफ्टर वन पॉइंट लेटर ऑन. अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे उसने एक टेक्निक डेवलप किया था जिससे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इजिली हो जाता था. लास्ट वन वॉज फॉर ईच कैरेक्टर there were contrasting traits. ज़्यादातर बहुत ही एक बड़ा confusion है कि characters और traits में क्या difference है, वो भी हम देखते हैं कि what are character and what is trait. Okay, first we will see artificial fertilization. ये एक टेक्निक मेंडल ने डेवलप किया था जिसमें उसने क्या किया कि ही चोज वन फ्लावर. और इसका क्या है, एक गाइनोजियम. अभी भाई गाइनोजियम को हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं, और सभी कार्पेल को कलेक्ट करके हम क्या बोल सकते हैं, गाइनोजियम बोल सकते हैं. ऐसे भी फ्लावर्स कैसे थे, बायसेक्सुअल थे, यानी कि गाइनोजियम भी था और एंड्रोजियम भी था. अभी हमको क्या करना है कि पहले तो हम ये लर्न करेंगे कि व्हाट इज पोलिनेशन. तो पोलिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन. Either it can be of same flower or another plant that can be had according to the type of fertilization or pollination. It can be cross pollination, it can be self pollination. But in artificial fertilization, पहले तो हमको क्या चाहिए कि भाई हमारा जो pollen रहता है desired pollen उसको ही stigma पर pollinate करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए. तो we have to stop फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि अपना खुद का जो एंथर है जो पोलन प्रोड्यूस करता है उसको रोकना पड़ेगा कि अपने स्टिग्मा को पोलिनेट करे, क्योंकि हमारा एक डिजायर्ड फ्लावर जो है वो हमको चाहिए, उसका पोलन हमको फर्टिलाइज करवाना है. तो एक हमारा जो फ्लावर है वो डिजायर्ड फ्लावर है, उसका हम बाद में पोलन से फर्टिलाइज करवाएंगे. तो पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई कि हमको ये एंथर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ये सेल्फ पोलिनेशन ना कर बैठे. तो इनिशियली वी विल कट डाउन द एंथर्स रिमूवल ऑफ एंथर्स क्या करेंगे भाई रिमूवल ऑफ एंथर्स Removal of anthers without damage to flower. Removal of anther without damage to the flower. That is called as emasculation. That is called as emasculation.
दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। सो इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन से क्या फायदा होगा भाई कि अपना खुद का एंथर जो पोलन प्रोड्यूस करता है वो स्टिग्मा पे जाके नहीं बैठ सकता है, नहीं पोलिनेट कर सकता है, पर अभी भी एक चांस है कि दूसरे फ्लावर का कोई भी पोलन आ सकता है और उस स्टिग्मा को पोलिनेट कर सकता है, तो उसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इमैस्कुलेशन के बाद क्या होगा भाई, हमने एंथर यानी पूरे स्टेमेन को रिमूव कर दिया है, राइट, स्टेमेन को फिलामेंट से कट कर दिया है, अभी एंथर को रिमूव किया, फिर भी एक चांस है कि दूसरे फ्लावर्स का पोलन आ सकता है। इसको हम एंथर और स्टेमेन भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एंथर, आप एंथर निकालोगे तो भी चल जाएगा, फिर नीचे से फिलामेंट से काट डालोगे तो भी चलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमेन। एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमेन, राइट। सो अभी कुछ नहीं रहा है हमारे पास, सिर्फ फिलामेंट बचा है क्योंकि एंथर हमने निकाल लिए बाय इमैस्कुलेशन। नाउ अभी एक और भी चांस है कि दूसरा पोलन आके उसको पोलिनेट कर सकता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम बाय बैगिंग, उस पर कोई बैग लगा देंगे, यानी कि कोई दूसरा पोलन आके उसको पोलिनेट ना कर बैठे। सो दिस प्रोसेस कवरिंग द फ्लावर बाय बैग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैगिंग। अभी हमारा जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिजायर्ड एंथर जिसको हम जिसका पोलन हम स्टिग्मा पर रखना चाहते हैं, डिजायर्ड एंथर जब मैच्योर होता है तब वो भी पोलन डेवलप करेगा, पोलन डेवलप करेगा और डिहाइस होगा और लिब्रेट करेगा पोलन। उस वक्त क्या करेंगे, जब मैच्योर हो जाता है तब हम बैग को रिमूव कर देंगे, वी विल रिमूव द बैग। बैग को रिमूव करके तुरंत ही ये यहाँ से हम कट कर देंगे, उसको लेके यहाँ पर स्टिग्मा ऊपर टैप कर देंगे। टैपिंग करने के लिए पहले तो बैग को रिमूव करना पड़ता है और फिर टैपिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई पोलन्स आ जाएंगे जो कि आफ्टर टैपिंग है। पोलन्स रखने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर से क्या करेंगे, अगेन इट इज रिबैग्ड। लास्ट में क्या हो जाएगा कि अगेन इट इज रिबैग्ड। अगेन इट इज रिबैग्ड क्योंकि दूसरा कोई पोलन ना आए और हमको 100% रिजल्ट मिले, तो अगेन इट इज रीबैग्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रीबैगिंग, इसको हम बोलते हैं रीबैगिंग। इससे हमको अचीव होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एंड दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय मेंडल। पहले उसने क्या किया कि स्टेमेन को कट कर दिया क्योंकि अपना ही पोलन खुद के स्टिग्मा को ना पोलिनेट कर दे, उसके लिए उसने एक प्रिवेंटिव मेथड लिया कि जिससे आर्टिफिशियली फोर्सेप्स से या सीजर से के कोई भी तरीके से पोलन को नहीं पहुंचने देना है, तो उसको स्टेमेन को कट कर देना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया, उसको कवर कर दिया, दूसरा कोई पोलन ना आ जाए। फिर कवरिंग के बाद उसने जब अपना जो डिजायर्ड एंथर था मैच्योर हो गया तब बैग को निकाल दिया, फिर से टैप कर दिया, पोलन ने पोलिनेट किया और फिर से उसको रीबैग किया, जिसको हम बोलते हैं रीबैगिंग। अंडरस्टूड, ओके। तो एक ये हो गया कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वॉज इजीली अचीव्ड क्योंकि इसके फ्लावर थोड़े बड़े थे, अभी छोटे फ्लावर लेता तो उसको खोदना पड़ता कि कहाँ पर उसके स्टेमेन है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसने क्या चूज किया, पायसम सटाइवम। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या है कैरेक्टर और क्या है ट्रेड्स। कैरेक्टर और ट्रेड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर ये समझ में नहीं आएगा
कंफ्यूज होते जाओगे। कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते, हम लेते हैं हाइट, तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कौन से हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कैन बी 12 और 12, ये हुए ट्रेड्स। ट्रेड्स कैन बी कॉन्ट्रास्टिंग, कैरेक्टर एक ही होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सीड कलर, तो सीड कलर भी येलो एंड वन इज ग्रीन। तो जो हुआ कैरेक्टर हुआ सीड कलर, तो उसके दो ट्रेड्स है, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। एक हाइट है तो उसका है टॉल और ड्वार। ऐसे हम पॉड शेप लेते हैं, तो पॉड शेप कैसा होता है? एक कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, एक इन्फ्लेटेड रहता है। फिर हम ले सकते हैं भाई कि ये लिया हमने सीड कलर, तो हम फ्लावर कलर भी ले सकते हैं, वाइट और वायोलेट। फिर हम उससे भी एक ले सकते हैं कि सीड का शेप कैसा है। सीड का शेप हो सकता है रिंकल्ड या स्मूथ हो सकता है, राउंड, राइट। सो डिपेंड्स के ट्रेड्स अलग अलग होंगे पर कैरेक्टर एक होगा, यानी कि हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके दो ट्रेड है। तो हमको क्या मिला कि हर एक कैरेक्टर के लिए हमको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मिले, यानी कि एक टॉल है तो कोई ड्वार्फ है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है सीड कलर के लिए। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज जीन, जीन क्या है। जीनेटिक्स में जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीन क्या है? तो एक्चुअली जीन इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। समझ में आया भाई? नहीं आया। चलो उसको हम समझते हैं कि ये है एक जीन, सॉरी डीएनए। ये है क्या? एक डीएनए। डीएनए में कोई एक भाग है जो जिसको हम बोलते हैं, एक सेगमेंट है डीएनए का जिसको हम बोलते हैं जीन, इसको हम नाम दे देते हैं जीन वन। कोई दूसरा एक सेगमेंट है जिसको हम नाम दे देते हैं जीन टू। अभी जीन क्या करता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसका काम क्या है? कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ जीन, अभी प्रोटीन कैन बी वर्किंग एज हार्मोन, समटाइम्स इट कैन वर्क एंजाइम, मेनली एंजाइम्स आर proteins, right? और body proteins which are essential in metabolic processes, जो कि essential है metabolic processes में। सभी protein बनाने के लिए जो information रहती है वो कहाँ पर रहती है? कोई भी gene पर। अभी gene term किसने दिया था? gene term दिया था जोहेंसन ने। किसने दिया था? जोहेंसन ने 1909 में। कब दिया था? 1909 में, राइट। और दूसरा भी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं अलील। अभी हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है उसमें पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई जेनेटिक्स और अलील दोनों वर्ड एक ही आदमी ने दिए हैं, एक ही पर्सन ने दिए हैं जिसका नाम था विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने अलील दिया था। अलील का मतलब क्या है? इट इज वन फॉर्म और अनदर, इट इज वन फॉर्म ऑफ और अनदर ऑफ अ जीन, ऑफ अ जीन। अभी ये हमको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम देखते हैं एग्जांपल लेके कि एक जीन, एक क्रोमोसोम है,
दूसरा क्रोमोसोम है। जनरली हमारे बॉडी में क्या है कि वी आर हैविंग डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक पैर रहती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं, उसको हम एक पैर बोलते हैं। 23 पैर है हमारे बॉडी में, तो कोई एक पैर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास कोई एक जीन है हाइट का, तो फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट ऑन अ जीन लोकस दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाइट टॉल। सो सेम लोकस ऑफ सेम जीन लोकस प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम विल ऑल्सो पजेस दैट जीन फॉर हाइट। इट कैन बी कैपिटल टी और ऐसा भी हो सकता है कि एक में स्मॉल टी है एक में कैपिटल टी है। अगर ऐसा भी हो सकता है भाई कि क्रोमोसोम है दोनों के पास स्मॉल टी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी पेयर हैज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। आइदर इट कैन बी कैपिटल टी, आइदर इट कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इट कैन बी स्मॉल टी, डिपेंड्स। पर हर एक के पास अल्टरनेटिव फॉर्म रहता है, जिससे जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक दोनों में एक एक हैप्लॉइड नंबर चला जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, एक दूसरी जगह पर जाएगा और एक हैप्लॉइड सेट बनाएगा, राइट। सो इट इज वन फॉर्म और अनदर फॉर्म ऑफ अ जीन, राइट। ओके, नाउ इफ द पेयर ऑफ अलील आर सेम, इफ अ पेयर ऑफ अलील आर सेम, this is also same, that is capital D, एक बाजू capital, sorry small d, तो उसको हम क्या बोलते हैं, homozygous, इसको हम बोलते हैं homozygous। और अगर दोनों different है that is small d capital D, then that is called as heterozygous, इसको हम बोलते हैं heterozygous because they are different, right? अगर pair of allele same रहती है तो उसको बोलते हैं homozygous, अगर pair अलग अलग रहती है तो उसको बोलते हैं heterozygous। अभी हम क्या देखेंगे कि what is gene locus, gene locus क्या होता है, तो this is called as gene locus। जीन लोकस का मतलब क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग सिंगल जीन। इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विच इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल जीन। जनरली क्या होता है कि जीन लीनियरली अरेंज रहते हैं, पर एक बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीन्स ओवरलैपिंग है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन दैट इज सीन इन 5 × 174 बैक्टीरियोफेज वायरस पजेस ओवर लैपिंग जीन। उसके पास कैसा है, ओवरलैपिंग जीन है, जो एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें और क्या जिसमें ओवरलैपिंग जीन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट, पर ऐसा 5 × 174 बैक्टीरियोफेज में कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज अ DNA, तो उसमें एक जीन यहाँ पर होगा तो दूसरा उसको ओवरलैप करता हुआ यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, दैट इज अ एक्सेप्शन दैट इज सीन इन 5 × 174 बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, सो दिस कैन दिस वाज ऑलरेडी आस्क, सो इट इज गुड टू रिव्यू वंस, राइट। ओके, नाउ वी विल सी कि भाई मेंडल ने किस चीज पर काम किया, मेंडल ने कौन से पहला एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल वर्कड ऑन ओनली वर्क
फॉर ओनली वन कैरेक्टर। मेंडल ने पहले एक ही कैरेक्टर पर काम किया। कैरेक्टर ने को हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि कैरेक्टर कैन हैव टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ऐसे ही मेंडल ने पहले एक ही कैरेक्टर पर ओनली कैरेक्टर वन दैट कैन बी ही स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल ही वर्क्ड ऑन हाइट, हाइट वाज अ कैरेक्टर, हाइट ऑफ अ स्टेम। कैरेक्टर क्या लिया था उसने, हाइट ऑफ स्टेम। उसके लिए उसने उसको दो टाइप के प्लांट्स मिले थे। वन वाज उसके पास दो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, वन वाज टॉल, दूसरा था ड्वार्फ। उसको दो कंट्रास्टिंग ट्रेट मिले थे किसके लिए, के कोई एक प्लांट लिया जिसका ए हाइट एज अ कैरेक्टर लिया और दो कैरेक्टर मिले जिसका एक था टॉल एक था ड्वार्फ। और प्लांट लिया दोनों कैसा था, होमोजाइगस कंडीशन यानी प्योर लाइन लिया। पहला प्लांट लिया उसने टॉल, कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल। पहला लिया उसने होमोजाइगस टॉल। दूसरा वाला जो लिया था वो था होमोजाइगस ड्वार्फ। जो फर्स्ट दो प्लांट लिए थे वो प्योर लाइन के थे, क्योंकि पी प्लांट जनरली सेल्फ फर्टिलाइजिंग है तो उसमें प्योर लाइन इजीली मिल जाता है। तो उसने लिए थे पहले होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। अभी इसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं पी से, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं पी से। अभी जब उनके गैमेट्स बने और उनका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन किया तब प्लांट कैसा मिला, प्लांट मिला होमोजाइगस टॉल मिला, सॉरी होमोजाइगस नहीं हेटरोजाइगस टॉल मिला। इनिशियली हेटरोजाइगस होमोजाइगस तो था ही नहीं जब मेंडल वर्क कर रहा था, तो उसको जब फर्स्ट जनरेशन मिला जिसको हम बोलते हैं फिलियल फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन उसको मिला कि जब भी उसने होमोजाइगस टॉल लिया, होमोजाइगस टॉल लिया और ब्रीडिंग करवाया यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाया तो सभी प्लांट्स उसको मिले टॉल, सभी प्लांट्स उसको मिले टॉल। जब उसने ऐसे ही दूसरे प्लांट से सेल्फ फर्टिलाइज किया, उसके जैसे ही प्लांट से सेल्फ फर्टिलाइज, तब उसको क्या मिला, उसको मिला कि पहला जो प्लांट था वो टॉल था, दूसरा वाला भी टॉल था। जब उसने ऐसा डेटा कलेक्ट किया तो हर एक तीन प्लांट के बाद एक ड्वार्फ मिल जाता था। और एक ऐसा मिला जो उसको मिला ड्वार्फ। तो उसको रेशियो कैसा मिला, उसको रेशियो मिला उसको फिनोटाइपिक रेशियो मिला। फिनोटाइपिक रेशियो यानी जो हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है और यानी स्मॉल है, ऐसा इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया को देख के ही हम बता सकते हैं कि इसका प्लांट ये टॉल है ये ड्वार्फ है, उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। उसको फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में क्या मिला भाई, 3:1, तीन टॉल प्लांट मिला और दूसरे F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ मिला। फिर
फिर जीनोटाइपिक रेशियो क्या बोलते हैं कि इसका जीनोटिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जीनोटिपिकल रेशियो फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम देखेंगे कि कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे कितने गैमेट्स बनते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे जीनोटिपिक रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं। अंडरस्टूड? पहले लिया था उसने एक ही कैरेक्टर और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, एक था होमोजाइगस डॉल, एक था होमोजाइगस ड्वार्फ। जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको जो पहला जनरेशन मिला उसमें प्लांट्स सभी प्लांट कैसे थे, सभी प्लांट्स टॉल थे। फिर उसको भी सेल्फ फर्टिलाइज किया तो उसको अलग प्लांट्स मिले कि तीन टॉल होते थे तो एक ड्वार्फ होता था, इसका रेशियो रहता था 3:1, तीन टॉल के हिसाब से एक ड्वार्फ रहता था। अभी जो हमने मोनोब हाइब्रिड क्रॉस देखा उसमें हम अभी गैमेट फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं, पर पहले तो गैमेट कैसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फॉर्म गैमेट, फॉर्मूला टू फॉर्म गैमेट इज 2:N, 2:N फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन नॉट होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस होता है तो हमको 2 की पावर पर 0 लेना पड़ता है, अगर हेट्रोजाइगस होता है तो हम उसको काउंट 1 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट जनरेशन में लिया था 2.5 टॉल, टॉल के लिए हमको पेयर ऑफ एलील मिल जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ। अभी ये दोनों कैसे होमोजाइगस, दिस टू आर होमोजाइगस, यानी इसके गैमेट पर फॉर्मूला लगेगा 2^2 n और 2^n जिसको हम बोलेंगे 2:0 विच इज इक्विवेलेंट टू 1, तो इसका एक ही गैमेट आएगा यानी कि कैपिटल टी। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा कि 2^n यानी कि 2:0 और इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि वो भी होमोजाइगस है, अगर हेट्रोजाइगस बनता है तो आगे बन सकता है, यानी यहाँ पर भी कितने गैमेट आएंगे, ओनली स्मॉल टी। अभी जब इनका फ्यूजन हुआ तो फिर से एक डिप्लॉइड सेट मिल गया, पहले हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहते हैं फिर डिप्लॉइड बन जाते हैं, हमको मिल जाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बाद में मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया सेल्फ प्लांट से, फिर उसको जो F1 मिला था F1 सेल्फ क्रॉस किया, फिर यहाँ पर गैमेट्स कितने बनेंगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेंगी 2:n यानी कि 2^n, पर यहाँ पर क्या है, दिस इज हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील वन फॉर्म ऑफ अनदर और अनदर, यानी एक कैपिटल टी टॉल के लिए एक स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, पर प्लांट कैसा था, यहाँ पर प्लांट था हेट्रोजाइगस टॉल, तो यहाँ पर 2:n आएंगे, 2:n नाउ इट इज हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है इसके लिए हम क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे बिकॉज इट इज हेट्रोजाइगस, इट इज हेट्रोजाइगस। यहां पर क्या था, होमोजाइगस, इसलिए हमने क्या काउंट किया, 0 काउंट किया, पर यहां पर हेट्रोजाइगस का इसलिए हमने 2^1 लगाया तो आएगा 2, तो इसके दो गैमेट बनेंगे, एक होगा कैपिटल डी एक होगा स्मॉल डी, ये एक गैमेट है, ऐसे यहां पर भी दो गैमेट आएंगे, यहां पर भी कैपिटल टी और यहां पर भी स्मॉल टी, राइट। अभी हम आगे क्या देखेंगे कि चेकरबोर्ड यानी पनेट स्क्वायर जिसने जिसको हम किसने दिया था, रेगिनाल्ड सी पनेट ने पनेट स्क्वायर मेथड दिया जिसमें हमें स्क्वायर बनाते हैं
जहां पर मेल को हम ऊपर रखते हैं, फीमेल को नीचे रखते हैं। जैसे कि वहां पर रूल रहता है कि दिस इज अ सिंबल फॉर मेल, वेल दिस इज अ सिंबल फॉर फीमेल। तो यहां पर आएगा एक कैपिटल डी, दूसरा स्मॉल डी, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी। ये हमने गैमेट्स रख दिए। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी। अभी हम इसको पनेट को फिल अप करेंगे, तो ये दोनों का क्या हुआ भाई, कैपिटल डी कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या आएगा, टॉल। यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी पर प्लांट मिला कैसा, टॉल। यहाँ पर भी कैपिटल डी स्मॉल डी प्लांट मिला, टॉल। यहाँ पर दो स्मॉल डी प्लांट मिला, 12। यानी कि जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या था, वन होमोजाइगस 12, वन वाज होमोजाइगस 12। टू वेर हिटरो जाइगस टॉल और वन वाज होमोजाइगस ड्वार्फ, वन वाज होमोजाइगस ड्वार्फ। सो दिस वाज द जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मीन्स जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी। सो ऐसा हमको जो जीनोटिपिक रेशियो मिला वो हमको इस तरह से मालूम पड़ता है, जो कि किसने दिया था, रेगिनाल्ड सी पनेट ने एक मेथड दिया है जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, बराबर। और दूसरा कि हमको गैमेट कैसे फॉर्म, कितने गैमेट्स बनेंगे, तो उसकी फॉर्मूला है टू की पावर एन। टू की पावर एन इफ हेटरोजाइगस होते हैं तो हम एक काउंट कर सकते हैं, अगर होमोजाइगस रहता है तो हमको जीरो काउंट करना पड़ता है। ओके, सो अवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर भाई एक यहाँ पर तो एक ही कैरेक्टर है तो इसलिए इजीली गैमेट्स बन गए, पर अगर ज़्यादा कैरेक्टर दिए थे तो हमको गैमेट्स बनाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी एक मेथड है, इसको हम बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। अभी हम दो कैरेक्टर लेंगे, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स, मोनोहाइब्रिड में स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। जब हम दो कैरेक्टर लेते हैं एक साथ तो स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अभी उस वक्त हमको गैमेट बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर हम प्योर लेते हैं तो इजीली गैमेट्स बन जाते हैं, पर अगर हम अगर दोनों हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो गैमेट्स इजीली बनते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक भाई हाइट कैपिटल टी स्मॉल टी, और हाइट ऑफ द स्टेम एक कैरेक्टर लिया, और एक लेते हैं कि कलर ऑफ द सीड येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। अभी इसका हमको गैमेट बनाना है, आगे गैमेट्स बनाने हैं तो क्या होगा, अब कैसे डेवलप करेंगे गैमेट। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि वेदर ये हेटरोजाइगस है कि नहीं है, तो यस ये हेटरोजाइगस है, दोनों कैसे है हेटरोजाइगस। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे वन, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे वन, दोनों को वन वन कैलकुलेट करेंगे, और वन प्लस वन क्या होता है टू। यहाँ पर हमारी फॉर्मूला क्या थी, टू की पावर एन, हमारी फॉर्मूला है टू की पावर एन, यानी टू रेस टू टू। तो गैमेट्स कितने बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फोर। अभी हम फोर गैमेट्स कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड में क्या होता है कि भाई पहले जो हेटरोजाइगोसिटी होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, पहले होता है कैपिटल डी तो दूसरा रहता है स्मॉल डी, फिर उसके आगे जाके फिर से हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से गैमेट्स बनते हैं, पहले हम बनाएंगे K
कैपिटल टी कैपिटल वाई, फिर दूसरा हम बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई, ऐसे ही तीसरा हम बनाएंगे स्मॉल टी कैपिटल वाई, और लास्ट बनाएंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बने? चार। पर कौन से मेथड से हमको इजीली बन जाएगा? फॉर लाइन मेथड। ये तो हमने डायहाइब्रिड लिया, अभी हमारा स्किन कलर ले लो, तो उसमें भी तीन टाइप्स के जीन्स रहते हैं जिससे हमारा स्किन का कलर आता है। फॉर एग्जांपल ए बीबी एंड सीसी। अभी इसमें कितने गैमेट बनेंगे? इसमें भी गैमेट्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर n लेंगे तो ये हमको काउंट करना पड़ेगा 1 बिकॉज इट इज हेटरोजाइगस। दूसरा है प्लस, इसको भी हम लेंगे 1, क्यों? क्योंकि ये भी हेटरोजाइगस है। ऐसे भी भाई ये तीसरा भी हेटरोजाइगस है, तो यहाँ पर टोटल हुआ 3। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 होता है 8। तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? 8 गैमेट्स बनेंगे। अभी ये थोड़ा ट्रिकी है, हम पहले फॉर्क लाइन मेथड से लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर आगे जाके अगेन कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर आगे जाएंगे उससे भी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल सी स्मॉल सी। ऐसे करके हमको एक फॉर्क लाइन मेथड से डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर आगे जाके हमको बनाने पड़ेंगे गैमेट्स। पहले ये तीन लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर हम इसको लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। अभी दूसरे को लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अभी हम चौथे को लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हमने क्या किया? पहले 1, 2 और 3, फिर 1, 2 और 3, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पर आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी दूसरे नंबर पर। फिर ये खत्म हो गया, अभी इसका चालू करेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अभी कैपिटल ए कैपिटल बी और सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसा करके हम ये हो गए चार। ऐसे नीचे भी चार आएंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। सेम वे अभी इस पर जाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और लास्ट आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 गैमेट्स आर फॉर्म। ये इसको हम बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। अभी यहाँ पर जब पनेट स्क्वायर बना मोनोहाइब्रिड में तो रेशियो आया 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। अभी हम जब डायहाइब्रिड निकालेंगे तो वो जीनोटिपिक रेशियो कितना बढ़ जाएगा? सेम वे फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में क्या था? मोनोहाइब्रिड में था 3:1। अभी डायहाइब्रिड में क्या होगा? अगर हम 3:1, ये एक ट्रिक है
इजीली रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कि रेशियो क्या आएगा डायहाइब्रिड में, तो डायहाइब्रिड में रेशियो आएगा मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर इन मोनोहाइब्रिड, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये रेशियो आ जाएगा डायहाइब्रिड में 9:3:3:1। ये इजीली हमको रेशियो मिल सकता है मोनोहाइब्रिड से डायहाइब्रिड का, कभी हमको कोई पनेट स्क्वायर बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, वी कैन डायरेक्टली राइट द रेशियो बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग 3:1:3:1, दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसको हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड मिल जाएगा। सेम वे जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का है 1:2:1, 1:2:1। अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या के जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड। ये भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे कि 1:2:1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करते हैं 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, ओके 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर यहाँ पर हो गया 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, अभी लास्ट आएगा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो ये हुआ जीनोटिपिकल रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड, हो गया 1:2:2:1:2:2:4:2:2:1:2:2:1। अंडरस्टूड, कहाँ से मिला ये रेशियो, यहाँ जो रेशियो मिला कैसे 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1 से ये रेशियो मिल जाएगा। समझ में आया, एकदम इजी टेक्निक है टू आइडेंटिफाई कि क्या है डायहाइब्रिड का रेशियो। अंडरस्टूड, और ये मिलेगा आपको 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1।